जयतु भारतम। साथियों स्वागत है आपका। हमेशा की तरह आज एक नए कवि सम्मेलन के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, और पिछले दो कवि सम्मेलन के बजाय एक युवा कवि सम्मेलन रहा, एक में वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। आज मिला जुला कार्यक्रम रहेगा, वरिष्ठ कवि हमारे साथ हैं, दो वरिष्ठ कवि हैं और दो युवा कवि हमारे साथ। आइए आपका परिचय करवा देते हैं और हमारे अतिथियों का अभिनंदन करते हैं। कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर तेजिंदर जी। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं गणेश दत्त बजाज जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। दिल्ली से हमारे साथ हैं पंकज वर्मा जी। पंकज जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं रवि शर्मा जी। रवि जी स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। आइए सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करते हैं। ज्ञान बढ़ा अज्ञान मिटाती, वीणा धारण करने वाली, श्वेत कमल के आसन बैठी, तू जड़ता को हरने वाली, विद्यावाणी की जननी तू, श्वेतंबर को धरने वाली, लय सुरताल रचा कर माता, जग गीतों से भरने वाली। लय सुरताल रचा कर माता, जग गीतों से भरने वाली। माँ शारदा को नमन करता हूं और उन्हें प्रणाम करने के बाद आज के कार्यक्रम की भक्ति में शुरुआत करूंगा। और भक्ति में शुरुआत के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं रवि शर्मा जी। रवि शर्मा जी पिछले 3 साल से लेखन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वांत सुखाए लिखते हैं, अपने आनंद के लिए लिखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं और साहित्य में विशेष रुचि रखते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजकेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। रवि शर्मा जी। जी आप सभी को नमस्कार, सभी गुणीजनों को। और मुझे काशी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पिछले महीने ही, और वहाँ जाने के लिए मैंने कुछ सोचा कि एक स्पेशल कुछ लिख के जाऊँ, कुछ खास सिर्फ काशी के लिए, तो वही बस आपके सामने रख रहा हूँ। कि गल में है काला नाग, हाथ में त्रिशूल साजा, कि गल में है काला नाग, हाथ में त्रिशूल साजा, सर पे जी देखो कैसे गंगा को बिठाए रहे, और आदि देव महादेव शंकर कैलाश पति, कैसे कैसे नामों से हम भोले को मनाए रहे। और कहते हैं कि शिव की त्रिशूल की नोक के ऊपर काशी जी टिकी है, कि शिव त्रिशूल की तो नोक पे भी राजमान, ऐसी नगरी को लोग काशी जी बुलाए रहे। और काशी के कुतवाल हैं भैरव बाबा, कि काशी के तो कुतवाल भंग में है आंख लाल, कि काशी के तो कुतवाल भंग में है आंख लाल, भैरव जी काशी की रक्षा कराए रहे। और यहाँ पर लोग प्राण छोड़ने आते हैं, तो जन्म मरण का तो फेरा छूट जाए प्यारे, काशी जी के घाट देखो मोक्ष दिलाए रहे। और भोले बाबा यहाँ के आदि देव हैं, और क्यों उनको भोले बाबा कहा जाता है, कि तोड़े चाहे मंदिर को धूल में मिलाए चाहे, कि तोड़े चाहे मंदिर को धूल में मिलाए चाहे, बाबा मेरे भोले देखो भूल को भुलाए रहे। इसलिए भोले बाबा है कि सबकी भूल को भुला देते हैं, कि हर एक बार देखो दुष्टों के प्रहार देखो, कि हर एक बार देखो दुष्टों के प्रहार देखो, बार बार मंदिर को चोट पहुंचाए रहे। बार बार मंदिर तोड़ा गया 5 बार, और बाबा जो समाधि में तो तोड़ फोड़ काशी में। यूं कहते हैं कि भगवान शिव इतने पावरफुल हैं तो उनका मंदिर कैसे तोड़ दिया गया, कि बाबा जो समाधि में तो तोड़ फोड़ काशी में, बाबा के तो गण ना बाबा को बचाए रहे। और नंदी बाबा बाहर बैठते हैं, उनके गण हैं, उनको बचाना चाहिए था। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि शिव जी नाराज हो गए और उन्होंने अपना मंदिर थोड़ा सा उनके आगे से हटाकर साइड में विश्वेश्वर मंदिर जो आज जहाँ पर है वहां पर बनाया, कि बाबा जो समाधि में तो तोड़ फोड़ काशी में, बाबा के तो गण ना बाबा को बचाए रहे। और शिव जी ने होके रुष्ट, कि शिव जी ने होके रुष्ट, नंदी जी से मुंह फेरा, बैठे दूजे मंदिर में नंदी को सताए रहे, कि बैठे दूजे मंदिर में नंदी को सताए रहे। और शिवलिंग आदिलिंग बाबा कहे ज्योतिर्लिंग,
तोड़े से भी दुष्टों के न टूट कभी पाए रहे, तोड़े से भी दुष्टों के न टूट कभी पाए रहे। और होता जब पाप देखो धरती पे बार बार, तीजी आंख भोले की फिर खुल खुल जाए रहे। और आज की डेट में जो ये चल रहा है कि वहां पर फुआरा है, मंदिर है, शिवलिंग है, क्या है, तो उसके ऊपर कुछ चंद लाइनें कुछ ऐसे हैं आगे कि अंधों को फुआरा दिखे, कि अंधों को फवारा दिखे, वजू का सहारा दिखे, दिखे सच सामने पर सब झूठ लाए रहे। कि अंधों को फवारा दिखे, वजू का सहारा दिखे, दिखे सच सामने पर सब झूठ लाए रहे। और आस्था पे चोट काहे, पूजा पे रोक काहे, ऐसा कोई कानून काहे को बनाए रहे। ये सब हो रहा है, चल रहा है, और लेकिन लोग कितना भी कहें बाबा जो विश्वनाथ हैं, भोले बाबा सबसे ऊपर है। तो उसके लिए क्या है कि मान अपमान चाहे ध्यान सम्मान चाहे, कि मान अपमान चाहे ध्यान सम्मान चाहे, सबसे है ऊपर शिव मन में समाए रहे। कि सबसे है ऊपर शिव मन में समाए रहे। और पाप का समूल नाश पापियों का वंश नाश, कि पाप का समूल नाश पापियों का वंश नाश, भक्तों पे कृपा कर कष्टों को मिटाए रहे। और आशुतोष महाराज देवों के भी देव तुम, काशी में तो आप देखो नगरी बसाए रहे। और काशी जी को ये वरदान है कि जब भी तोड़ी जाएगी वो दोबारा से जीवित हो जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो ये वरदान देखो काशी जी महान देखो, कि ये वरदान देखो काशी जी महान देखो, टूटे जब मंदिर तो फिर से बनाए रहे। और आखिर लाइन कुछ ऐसे है कि बाबा तुम विश्वनाथ सबके हो प्राणनाथ, कि बाबा तुम विश्वनाथ सबके हो प्राणनाथ, कैसे तेरे गुणों को हम लिखें और सुनाएंगे, कि कैसे तेरे गुणों को हम लिखें और सुनाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत खूब, बड़ी सुंदर रचनाएं। और अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हिंदी प्राध्यापक पंकज वर्मा जी जुड़े हैं। पंकज जी हिंदी प्राध्यापक होने के साथ साहित्य के प्रति पूरे समर्पित व्यक्ति हैं और मेरा सौभाग्य मैं इनके साथ काम करता हूं। अगर आजीविका की बात करें तो स्वांत सुखाए लिखते हैं, लेखन में बड़ी रुचि है और बहुत बढ़िया लिखते हैं। आज किसानों की बात करने के लिए हमारे मंच पर हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, घटा का क्या घटा, घटा का क्या घटा जो नहीं बरसी घटा, घटा का क्या घटा जो नहीं बरसी घटा, बरस जाती, बरस जाती तो नजर आता घटा, किसान की आंख का पानी, बरस जाती तो नजर आता घटा, किसान की आंख का पानी, किसान की आंख का पानी। पंकज वर्मा जी, सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। अपनी छोटी सी एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा। रचना का शीर्षक है किसान। ये रचना मैंने तब लिखी थी जब किसान आंदोलन चल रहा था। वो बहा पसीना खेतों में, धरती से धन उपजाता है, अपने श्रम के अतिरेक से वो लोगों की भूख मिटाता है, जी कर अभाव का जीवन भी वो अपना फर्ज निभाता है, वो पूज्य जीव, वो धरती पुत्र, वो अन्नदाता कहलाता है। जब सूर्य देव की किरणों से धरती लावा बन जाती है, जब सूर्य देव की किरणों से धरती लावा बन जाती है, जब गर्म हवा शोला बनकर पत्थर में आग लगाती है, जब बाहर निकलने में घर से खुद चिंगारी कतराती है, जब जल का भ्रम पैदा कर नर को मरीचिका भरमाती है, जब नभचर इस भीषण गर्मी में नीड़ों में छिप जाते हैं, थल के भी जीव जंतु सारे अपने दिल में घुस जाते हैं, वह भूमि पुत्र इस गर्मी में खेतों में समय बिताता है, कांधे पर अपने हल रख वह धरती को जोतता जाता है, वह थकन मिटाने को मखमल का बिस्तर नहीं लगाता है, वह बना बिछोना वसुधा को
वही पेड़ तले सो जाता है। जब इंद्र देव क्रोधित होकर जल धरती पर बरसाते हैं, जब अतिवृष्टि के कारण सब जलमग्न खेत हो जाते हैं, जब चपला काले मेघों में कड़ कड़ कर दिल धड़काती है, जब नदियां नव जीवन पाकर नागिन सी बहती जाती हैं, जब सर्प आदि विष युक्त जीव बिल से बाहर आ जाते हैं, जब तेज हवाएं अंधड़े और अंधड़ तूफान बन जाते हैं, हल दर इस भीषण बारिश में खेतों में धान लगाता है, तीरों से चुभती बूंदों को अपने तन पे सह जाता है, माटी प्रेमी घुस माटी में माटी से लड़ लड़ाता है, माटी का तन एक दिन माटी होगा हमको समझाता है, जब सर्द हवाएं सनन सनन करके जाड़े में चलती हैं, जब गर्म रजाई कंबल भी सर्दी को दूर ना करती है, जब सूर्य देव की किरणें भी ना ताप अधिक दे पाती हैं, जब बिस्तर के अंदर भी हमको बर्फ जमी से पाती है, जब नदियों झरनों तालाबों का पानी हिम बन जाता है, जब शीतल काली रातों में कोहरा कोहराम मचाता है, हल दर उन काली रातों में खेतों में जाया करते हैं, वे खेत सींचने को शीतल जल से भिड़ जाया करते हैं, इन अतिशय ठंडी रातों में ना बिस्तर उनको भाता है, कंबल से तन को ढांप कृषक वह शीतल रात बिताता है, जब दुश्मन सेना सीमा पर भारत को आंख दिखाती है, जब आतंकी आकाओं की हिम्मत ज्यादा बढ़ जाती है, जब भारत माँ के आंचल को खून से नहलाया जाता है, जब निर्दोषों को बम के गोलों से दहलाया जाता है, जब काले नाग विषैले अपना फन लहराने लगते हैं, जब गीदड़ मैदान में आ सिंहों को धमकाने लगते हैं, वह छोड़ के अपने बैलों को सीमा प्रहरी बन जाता है, माँ की रक्षा का प्रण लेकर वह दुश्मन से टकराता है, वह मातृभूमि की रक्षा को खुद यम से भी भिड़ जाता है, भारत के हर एक दुश्मन को वह चुन चुन धूल चटाता है, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि की मार कृषक पर पड़ती है, कभी ओलावृष्टि के कारण पक चुकी फसल गिर पड़ती है, कभी अंधड़ बल दिखलाते हैं पेड़ और फल तोड़ गिराते हैं, कभी टिड्डी दल आ जाते हैं, कभी कीट फसल खा जाते हैं, कभी दाम नहीं मिल पाते हैं, कभी पशु खेत चर जाते हैं, कभी नबचर खेतों में घुसकर भीषण विध्वंस मचाते हैं, वह अपनी इन तकलीफों पर ना रोता है चिल्लाता है, कुदरत के सब संतापों को हंसते हंसते सह जाता है, वह देता है ज्यादा लेकिन अर्जित कम ही कर पाता है, फिर भी मेहनत करने से वो तो हरगिज ना कतराता है, हल धर पीड़ा का सागर है, वो एक बलशाली पर्वत है, वो करुणा से परिपूर्ण जीव धन से खाली एक गागर है, वो पंक से उपजा एक पंकज, वो पावन गंगा का जल है, वो शीतलता में शशि समान क्रोधित होने पर पावक है,
वो अमृत का है कुंभ एक, वो खुशबू देता उपवन है, उसके सक्षम भुज दंडों की मेहनत की उपज हम खाते हैं, हम देव तुल्य इस मानव के आगे ये शीश झुकाते हैं, हम देव तुल्य इस मानव के आगे ये शीश झुकाते हैं। धन्यवाद पंकज जी, बहुत खूबसूरत बड़ी सुंदर रचना आपने पढ़ी। किसान की कहानी, किसान की व्यथा इससे सुंदर शब्दों में शायद व्यक्त नहीं की जा सकती। लिखना और पढ़ना दोनों बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर रचना पाठ रहा। अब आगे बढ़ते हैं काव्य पथ पर, और हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं गणेश दत्त बजाज जी। गणेश दत्त बजाज जी पिछले 35 सालों से साहित्य सेवा कर रहे हैं, और प्रदेश में ही नहीं वरन देश भर में अनेक मंचों पर काव्य पाठ कर चुके हैं, दूरदर्शन आकाशवाणी के अनेक केंद्रों पर काव्य पाठ कर चुके हैं, और इसके अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। मंच संचालन करते हैं और साहित्य की विशेष जानकारी भी रखते हैं। मैं बजाज साहब को आमंत्रित करता हूं राजेंद्र चांद जी के इस शेर के साथ। उन हाथों को ये मालूम है कलम में कितनी ताकत है, कि जिन हाथों में तुम तलवार की उम्मीद रखते हो, कि जिन हाथों में तुम तलवार की उम्मीद रखते हो। आदरणीय गणेश दत्त बजाज जी, सभी को नमस्कार। गीत कविता भजन मेरे नित नयान वेश है, मुक्तक जो ये गा रहा है, आपका ही गणेश है। आज मैं आपके साथ साझा करता हूं एक कविता, शीर्षक अनुभव। जिसके पास खजाना होगा उसको सामने आना होगा, जिसका ज्ञान खजाना होगा उसको सामने आना होगा। गीतों गजलों को रच डाला फिर तो मंच पे गाना होगा, कविता लिखते रहते हो तो काव्य मंच सजाना हो। क्या क्या सीखा हमें बताओ, अनुभव से समझाना होगा। जिसके पास खजाना होगा उसको सामने आना होगा, सुख में साथ निभाते सारे दुख में साथ निभाना होगा, सुख में साथ निभाते सारे दुख में साथ निभाना होगा। संग चलेंगे आप जो मेरे घड़ी घड़ी मुस्काना होगा, सफर कटेगा खेल खेल में हमरा ही बन जाना होगा, फूल चुनोगे गुलशन से जब फूल चुनोगे गुलशन से जब कांटों से बच पाना होगा, बन रहोगे बड़े सदा ही बन रहोगे बड़े सदा ही, थोड़ा सा झुक जाना होगा। सभी चलेंगे साथ हमारे सभी चलेंगे साथ हमारे, सरल हृदय अपनाना होगा, स्वस्थ रहोगे जीवन भर को स्वस्थ रहोगे जीवन भर को, सरल योग अपनाना होगा, छाया अपने आप मिलेगी धरा पे वृक्ष लगाना होगा, सबकी दुआएं स्वतः मिलेंगी प्रेम भाव अपनाना होगा, सभी रहेंगे साथ तुम्हारे अपना अपनाना होगा, प्रकृति रहेगी
साथ सदा ही, प्रकृति रहेगी साथ सदा ही, मिट्टी से जुड़ जाना होगा, सुनना चाहे सभी आपको मीठा बोल सुनाना होगा, जिसके पास खजाना होगा उसको सामने आना होगा, गीतों गजलों को रच डाला फिर तो मंत पे गाना होगा, मीठा बोल सुनाना होगा। तो ये थी मेरी कविता अनुभव, एक बुक और दे चुका। मन भवन संसार दिखाई देता है, सपनों सा व्यवहार दिखाई देता है, मन भवन संसार दिखाई देता है, सपनों सा व्यवहार दिखाई देता है, जब से संग चले हैं खुश दिल मित्रों के, सारा जगत परिवार दिखाई देता है, सारा जगत परिवार दिखाई देता है। नमस्कार, धन्यवाद जी। आदरणीय, बहुत खूब, बड़ी सुंदर रचना अनुभव। और अब आज के इस कविता सरिता को मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं और आपको कैथल लिए चलता हूं। कैथल से हमारे साथ डॉक्टर तेजिंदर जुड़े हैं, हरियाणा शिक्षा विभाग से इतिहास प्रवक्ता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और पिछले अनेक वर्षों से साहित्य साधना कर रहे हैं। 7 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और उससे भी ज्यादा उल्लेखनीय बात ये है कि डॉक्टर साहब के ऊपर 2 MPhil हो चुकी हैं और 3 शोधात्मक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं रामधारी सिंह दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर तेजिंदर जी को। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, न छू सकते जिसको हे देवी, न छू सकते जिसको हे देवी, कल्पना वह तुम अगुण अगेय, भावना अंतर की वह गूढ़, रही जो युग युग अकथ अगेय, रही जो युग युग अकथ अगेय। आदरणीय डॉक्टर तेजिंदर। नमस्कार जी, रवि जी ने तो वातावरण को शिवमय और काशीमय बना दिया, पंकज जी ने किसान की व्यथा और महता दोनों को इंगित किया, और गणेश जी ने भी अपनी कोमल कांड पदावली में हमें आनंदित किया। मैं अपनी कुछ चुनिंदा क्षणिकाओं के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। पहली क्षणिका, चोटी के कलाकार। पत्नी की चोटी गूंथते गूंथते वे इस कला में होशियार हो गए हैं, पत्नी की चोटी गूंथते गूंथते वे इस कला में होशियार हो गए हैं, यानी चोटी के कलाकार हो गए हैं, यानी चोटी के कलाकार हो गए हैं। अगली क्षण का, सिस्टर के शीर्षक से। नर्स से शादी करके डॉक्टर साहब को पछताना पड़ा, नर्स से शादी करके डॉक्टर साहब को पछताना पड़ा, तमाम उम्र सिस्टर कहकर बुलाना पड़ा, तमाम उम्र सिस्टर कहकर बुलाना पड़ा। तीसरी क्षणिका, खाट खड़ी कर दे। सुबह उठते ही मां ने बेटे से कहा, बेटा एक काम कर दे, सुबह उठते ही मां ने बेटे से कहा, बेटा एक काम कर दे, तेरे पिताजी उठ गए होंगे, उनकी खाट खड़ी कर दे, तेरे पिताजी उठ गए होंगे, उनकी खाट खड़ी कर दे। और एक क्षणिका, आंधी तूफान के नाम से। बेटी ने बताया, पापा मां का फोन आया, बेटी ने बताया, पापा मां का फोन आया, मां शाम को घर आ रही है,
मामा जी को साथ ला रही है। माँ शाम को घर आ रही है, मामा जी को साथ आ रही है। अब यही गम मुझे सताए जा रहा है, आंधी के साथ तूफान आ रहा है, आंधी के साथ तूफान आ रहा है। अब एक रचना नारी को समर्पित। नारी तुम हो भाग्य विधाता, तुम हो जननी तुम हो माता। नारी तुम हो भाग्य विधाता, तुम ही जननी तुम ही माता। हर नर तुमसे जीवन पाता, सफल सिद्ध हो नभ में छाता। हर नर तुमसे जीवन पाता, सफल सिद्ध हो नभ में छाता। युग युग से है तुमसे नाता, युग युग से है तुमसे नाता। तुम बिन मुझको कुछ ना भाता, युग युग से है तुमसे नाता। तुम बिन मुझको कुछ ना भाता, सकल ब्रह्मांड में तुम विख्याता। सकल ब्रह्मांड में तुम विख्याता, सकल विश्व तेरे गुण गाता। सकल विश्व तेरे गुण गाता, जो भी तेरे द्वारे आता, जो भी तेरे द्वारे आता, खुल जाता खुशियों का खाता। जो भी तेरे द्वारे आता, खुल जाता खुशियों का खाता। देवी रूप में जो भी ध्याता, उसका जन्म सफल हो जाता। अंतिम पंक्तियां, महिमा अमित अपार तुम्हारी, महिमा अमित अपार तुम्हारी। जय हो जय हो जय हो नारी, महिमा अमित अपार तुम्हारी। जय हो जय हो जय हो नारी। धन्यवाद। बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत खूब। नारी तो नारायणी, बड़ी सुंदर रचना आपने नारी के सम्मान में पढ़ी। अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आप सभी आमंत्रित कवियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और उसके बाद धन्यवाद करता हूं हमारे साहित्य संसार कार्यक्रम के मार्गदर्शक मंडल का, जिसमें शामिल हैं आदरणीय श्री कमलेश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर कमलेश मलिक जी और डॉक्टर विजेंद्र जी। और आज के इस कार्यक्रम के संयोजन में विशेष योगदान के लिए धन्यवादी हूं राजेंद्र राज निगम जी का, उनका भी हृदय से आभार। और साथियों, आप सभी को कार्यक्रम का आनंद आया होगा, ऐसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम समाप्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।